हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट केक। बिस्किट केक घर पे बनाना बड़ा ही आसान है और ये चॉकलेटी केक है तो इसे बनाना बड़ा ही आसान है और एकदम जो हमारे बाज़ार का स्पंजी केक आता है उसी तरीके से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे लिए मैंने चॉकलेट बिस्किट में लिए मैंने ओरियो बिस्किट और डार्क चॉकलेट बिस्किट, और यहाँ लिए मैंने बटर। आप चाहें तो घी या तेल भी यूज़ ले सकते हैं। तो और यहाँ लूँगी मैं थोड़ी सी मलाई और एक गिलास के करीब दूध लेना है। और यहाँ लेंगे हम इनो, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और आधा कटोरी के करीब यहाँ लूँगी मैं नमक आप बाद में भी काम लग सकते हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। यहाँ लिया है मैंने डेरी मिल्क, अगर आपको डार्क चॉकलेट मिल जाती है तो वो थोड़ी सस्ती भी होती है, तो यहाँ मुझे डार्क चॉकलेट नहीं मिल पाई लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैंने डेरी मिल्क ली है। और यहाँ पे जो बिस्किट हैं जो चॉकलेटी, उसकी मैं चॉकलेट क्रीम अलग करूँगी क्योंकि हमारे डेकोरेशन में काम आएगी। और जो बिस्किट है उसे हम ग्राइंड करना है, तो आप सारे बिस्किट को क्रीम अलग कर दें और बिस्किट को ग्राइंड करना है तो उसे तोड़ के एक जार में डाल दें। और बिस्किट केक बनाना बड़ा ही आसान है, ये खाने में उतना ही स्पंजी और उतना ही टेस्टी होता है जो हमारे मार्केट वाले चॉकलेट केक होते हैं। तो आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और लॉकडाउन है तो आप बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी आपके फेस्टिवल हो आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप निकालते जाए और डालते जाए, बस इसका कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी जिससे आपका केक स्पंजी बनेगा। और यहाँ डाला मैंने आधा गिलास दूध, एक साथ पूरा दूध ना डालें। एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। दो चम्मच के करीब शक्कर डाली है, यानी शुगर। उसके बाद में इसमें स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और पूरा दूध मैंने डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम बर्तन, आप कोई भी भगोनी कटोरा या कुछ भी आपके पास कंटेनर हो उसे ले। उसमें अच्छे से मैंने अमूल बटर लगाया है, आप ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, इसे आप अच्छे से ग्रीस करें। उसके बाद हम लेंगे यहाँ सूखा मैदा, हमें इसे चिपकाना है तो हमें इसे हिलाते हुए चारों तरफ लगा देंगे और इसे एक्स्ट्रा है उसको हम मतलब डैप करके निकाल देंगे। तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा बैटर एकदम जो बेस है वो अच्छे से निकल जाए, चिपके ना। और यहाँ भगोना में हमने डाला है नमक, आप चाहें तो कुकर या किसी भी बर्तन में नमक डाल दें, स्टैंड लगाते उसे 5 मिनट के लिए ढक के गर्म होने दें जब तक हमारा केक का बेस के लिए पेस्ट को जो है उसको तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ चम्मच इनो डाला, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। उसे एक साइड में घुमाएं, उसे उल्टा सीधा ना घुमाएं, एक साइड में घुमाते हुए कटआउट में इसे हिलाते जाएं, ताकि यही हमारा स्पंज केक बनाता है। बस यही सबसे मेन विधि है, अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपका केक बड़ा ही स्पंजी बनेगा। और इसे हमें बाउल में डाल देना है जिसमें हमने केक बनाना है। इसे डालने के बाद इसे डैप करेंगे ताकि हमारा बैटर है जो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हमें जो गर्म किया था भगोने में नमक को, उसको हम उसमें डाल के स्टीम पे लगा देंगे, उसे हम पकने देंगे। हमें 40 मिनट तक इसे पकाना है केक को। तो अब मैंने शुगर शेप में लिया है 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच ही पानी डाल के हमें इसे हिला के अच्छे से जो शक्कर उसे घोलना है। और यहाँ पे जो क्रीम थी चॉकलेट क्रीम, तो यहाँ मैं एक बाउल में डालूँगी डेरी मिल्क, सारी डेरी मिल्क डाल के और चॉकलेट क्रीम को भी इसमें ही ऐड करेंगे, ये हमारे बेस बनाने के लिए हम काम में लेंगे। तो इसे हम गर्म पानी भगोनी लेंगे, हमें इसे भाप देना है जिससे हमारी चॉकलेट पिघल जाएगी, मेल्ट होनी चाहिए। और ये क्रीम भी देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दी है। और हमारी जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए हम हटा लेंगे, उसमें डालेंगे हम आधा चम्मच की बटर, आप चाहे तो तेल या घी भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी शाइन आएगी जो क्रीम चॉकलेट जो क्रीम बनेगी उसमें। और यहाँ पे जो मलाई और मैंने वाइट क्रीम निकालती थी वो हम डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे हम जो मेहंदी वाला कोन बनाते हैं, आप किसी भी दूध की थैली या किसी भी पॉलीथीन थैली से आप बना सकते हैं वो बड़ी आसानी से। तो जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं उसी तरीके से हमें राउंड करके बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं अगर आपके पास डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसे आप बना के इसमें जो हम क्रीम होगी वो डाल देंगे, उसे रबड़ या धागे या टिप से इसे कोन को बंद कर ले ताकि जो हम क्रीम डालेंगे वो बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं मैंने कोन बना दिया है, इसको हम बड़ा सा कट करेंगे डेकोरेशन के लिए और इसमें क्रीम डाल देंगे और वही धागे और इसे बांध देंगे। तो आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और देख सकते हैं हम केक देखते हैं कि हमारा 40 मिनट के बाद, यानी आप 35 से 40 मिनट के बीच में चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे सेंटर में चाकू डाल के देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चाकू पर बिल्कुल नहीं चिपका है, तो यानी हमारा केक पक चुका है अंदर तक अच्छे से। तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे, उसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे।
तो 5 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे। ये गर्म है तो इसे हम अच्छे से निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से अपने आप ये छूटने लग गया है, इसका मतलब आपका केक परफेक्टली नहीं चिपका है, परफेक्टली निकल जाएगा। और मैं इसे उल्टा करते ही अपने आप निकल जाता है और यहाँ नीचे चैटा है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही स्पंजी बना है। और अगर आप टेढ़ा रखेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम इसे कट कर सकते हैं ऊपर से। और इसके बाद हम एक धागे चक्कू से निशान बना के धागे से बड़ी आसानी से, आप देख सकते हैं मैंने धागे से कट किया है, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि अब ये जो बेस है उसे अच्छे से ठंडा होने दें, नहीं तो ये ऊपर से फट सकता है। तो मेरा थोड़ा बेस थोड़ा गर्म था तो, और आप इसे साथ साथ में क्लीन भी करते जाइए। और जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो लगा देंगे। आप बड़ी आसानी से घर पर शुगर सिरप बना सकते हैं। और जो हमने चॉकलेट जो डेयरी मिल्क का जो हमने जो गर्म की थी, जो बिस्किट की जो क्रीम थी उससे हम अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा बेस है उससे लगाएंगे। आप ध्यान रखिएगा गरम गरम ना करें, नहीं तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच यानी लाइन दरार आ सकती है। और इसके बाद मैं जो चॉकलेट है वो पूरी बची हुई इसके अच्छे से लगा दूँगी। आप प्लेट को घुमाते हुए लगा दें तो आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट बन के तैयार है। इस पर आप अपने हिसाब से कैसे भी चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं, और अपने हिसाब से कुछ भी जैम वगैरह लगा के भी अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी और स्पंजी होगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस ये ध्यान रखिएगा गर्म ना काटें, इसे ठंडा होने पर कट करें। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी चॉकलेट बिस्किट केक की रेसिपी पसंद आई, चॉकलेट केक की, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।